स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लिप्सिक फंक्शन एंड यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट टू है, लेक्चर टू है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लिप कंडीशन क्या होती है और कुछ फंक्शन की हमने क्या करी थी, लिप कंडीशन की चेक करी थी कि उस रेंज में वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो आज हम आगे करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं और आज हमने रेक्टेंगल अलग ली है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल पे हम इन फंक्शंस की क्या देखेंगे, लिप कंडीशन चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। ओके, और लिप इस रेक्टेंगल को हमने कल बनाना सीख लिया था। ओके, तो आज देखो हमने इस रेक्टेंगल पे और जितने क्वेश्चन हमने कल किए थे उस जितने भी क्वेश्चन कल थे मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपको लास्ट टाइम दिए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, इस रेक्टेंगल में भी क्या करने हैं, सोल्व करने हैं एज इट इज। और मैं एक आधा और रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, मान लो मैंने ए रेक्टेंगल ये दे दी होती वाई एक्स लेस देन टू और वाई का मोड माइनस थ्री लेस देन वन ये दी होती, तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, सेम एज इट इज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसमें भी ट्राई करने हैं। नाउ कम टू द दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल पे हम देखते हैं कि क्या चेंज आता है और क्या नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, तो अब देखो बच्चों, तो ये हमारे पास वन है, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, ये हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम क्या देख रहे हैं, अब ये देखो बच्चों, एक्स माइनस थ्री यानी सेंटर कितना, एक्स का कितना लेना है थ्री, तो ये हमारे पास, इसके हमारे पास राउंड लेना है, तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी है, वन है, तो थ्री से एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रही है वो क्या बन रही है, फोर, यानी एक तो ये लाइन आ गई विच इज एक्स इज इक्वल टू फोर और एक हमारे पास लाइन आएगी ये विच इज एक्स इज इक्वल टू टू। ओके, तो एरिया कौन सा आएगा दोनों के बीच का, मिड एरिया चाहिए हमें, तो इसका इस तरफ, ठीक है, और इसका इस तरफ। अब उसके बाद देखें हम वाई, जीरो सेंटर है तो हमारे पास जीरो हो गया, उसके बाद टू, टू ऊपर है और टू नीचे है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास लाइन होगी y इज इक्वल टू टू और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस टू, तो दिस इज अवर y इज इक्वल टू माइनस टू। अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगल आई है, क्योंकि इसका एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा और इसका ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में हमने क्या देखना है कि इस फंक्शन की लिप कंडीशन चेक करनी है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन पार्ट पे हम आते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है, या फिर आप इसी के स्लैश में क्या लिख सकते हो, एक्स ऑफ कोस वाई, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इस पे आते हैं, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ लिप कंडीशन, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा y2, ओके, तो ये मैं किसे छोटा दिखाना है, समथिंग कॉन्स्टेंट इन टू वाई वन मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ f, f की डेफिनेशन क्या, हमारे पास x इंटू साइन वाई, तो ये जाएगा हमारे पास x इंटू साइन ऑफ वाई वन माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ वाई टू। ओके, तो अब क्या होगा, इसमें x हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बाय x गेटिंग कॉमन ये हमारे पास क्या हो गया, साइन ऑफ y1 माइनस साइन ऑफ y2। अब हम क्या कर देते हैं, मोड को अलग अलग कर लेते हैं, तो x का मोड अलग हो गया और y का, इस सारे का मोड क्या होगा, अलग हो गया, तो अब ये हमें दे रखा है x माइनस थ्री का मोड इज लेस देन फोर और x की हायर वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x इज लेस देन फोर, तो इसकी हायर वैल्यू क्या हो सकती है, 4, तो इट इज लेस देन 4 इंटू साइन मोड ऑफ साइन वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू। ओके, और ये किससे छोटा होता है, मोड ऑफ साइन वाई वन माइनस साइन ऑफ वाई टू, बाय मीन वैल्यू थ्योरम ये हमारे पास होता है मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू से लेस। नाउ दिस इनक्वालिटी कम चेंज इंटू लेस देन 4 इंटू वाई वन माइनस वाई टू, इज दैट क्लियर, तो अब ये हमारे पास क्या था, इट इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू, इज दैट क्लियर, और ये हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन ऑफ लिप कंडीशन, तो इसमें जो के है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विच इज लिप कॉन्स्टेंट, ठीक है, हमारे पास ये क्या था,
लिप कॉन्स्टेंट, हैंस दिस फंक्शन इज सेटिस्फाई लिप कंडीशन। और सिमिलरली हमारे पास इफ यू रिप्लेस साइन विद कोस देन द सेम सॉल्यूशन पार्ट इज होल्ड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो आप साइन की जगह क्या ले सकते हो, कोस भी ले सकते हो। ये हो गया हमारे पास। नाउ कम टू द पॉइंट कि हमारे पास अगर हमारे पास ये होता एक्स इंटू वाई की पावर मान लो 1/2 होती, ओके तो एज इट इज चलता हमारे पास, तो ऐसे ही हमारे पास यहां क्या आ जाता 1/2 1/2 1/2 1/2। अब देखो बच्चों, तो ये हमारे पास किससे छोटा हो जाता, ये हमारे पास छोटा हो जाता वाई की रेस टू पावर 1/2 1/2। ओके, तो y रेस टू पावर 1/2 1/2। नाउ अब इसको हम क्या लेके चलेंगे, इसके रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे, तो दिस इनइक्वालिटी कैन चेंज इनटू f ऑफ x कॉमा y1 समथिंग, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा y रेस टू पावर 1/2 माइनस, इसी के नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y1 रेस टू पावर y1 माइनस y2, नीचे तो यही आएगा ना। तो अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ऊपर करके ये इनइक्वालिटी किससे लेस आ गई थी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में, इट इज लेस देन 4 इनटू y1 रेस टू पावर 1/2 माइनस y2 रेस टू पावर 1/2 1/4 1/2 सॉरी, ओके अपॉन y1 माइनस y2। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट, इफ वी टेक y1 इज इक्वल टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी बाय टेकिंग या फिर पुटिंग y1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, हमने y1 इज इक्वल टू 0 लिया है यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये लाइन हमारे पास क्या है डोमेन का पार्ट है, दिस इज रेक्टेंगल r और दिस इज हमारे पास क्या है डोमेन है ये हमारे पास। ओके, तो अब देखो बच्चों, जब मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग लिया यानी मैंने y1 को क्या ले लिया 0 ले लिया, तो दिस इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, नाउ दिस इनइक्वालिटी बिकम 4 इनटू ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा y रेस टू पावर 1/2 अपॉन y2, ठीक है। नाउ ये हमारे पास ऊपर है ये नीचे हमारे पास, तो ये ऊपर कैंसिल होकर नीचे क्या रह जाएगी 1/2। सिमिलरली हमने जब कल क्वेश्चन किए थे इसमें हम देख रहे हैं when y2 approaches to 0, y2 approaches to 0 then the whole inequality approaches to infinity, so इसका हमें supreme value नहीं पता, so there does not exist a such constant k such that this inequality is less than k, तो that implies the f of x हमारे पास क्या था ये था, तो हमारे पास ये क्या नहीं करेगा लिप कंडीशन को satisfy नहीं कर रहा। ओके, तो अब देख रहे हो तुम बच्चों, अगर मैं यहां पे 1/3 लेता 1/4 लेता यानी 1 से लेस वैल्यू लेता और 0 से ग्रेटर लेता, तो तुम क्या देख रहे हो कि वो लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, और अगर मैं यहां पे y की पावर 1 से बड़ी ले रहा हूं लार्ज ले रहा हूं या फिर मैं 1 के इक्वल ले रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिया था 1 के इक्वल लिया था, अगर मैं यहां पे 1/2 की जगह स्क्वायर करता ना दैट्स नॉट प्रॉब्लम, हमारे पास कुछ भी नहीं होता y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर ऊपर क्या आ जाता स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाती, तो ये चेंज हो जाती हमारे पास 4 into y1 minus y2 and y1 plus y2, okay, upon less than, हमारे पास नीचे क्या था y1 minus y2, अब ये this inequality cancel हो गई हमारे पास, तो इस जगह 4 और y की higher value कितनी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता 2 plus 2 4 4 into 4 16, तो इसकी हमारे पास highest value मिल जाती यानी this is हमारे पास क्या आ जाता k हो जाता। तो तुम देख रहे हो जब मैं 1 या 1 से बड़ा ले रहा हूं यहां पे नंबर, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, और अगर मैं 1 से कम ले रहा हूं और 0 से बड़ी, 0 और 1 के बीच में ले रहा हूं, तो जो ये फंक्शन हमारे पास ये क्या नहीं बन रहा लिप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास ट्रिक हो गई कि हमारे पास f of x हमारे पास ऐसे दिया हुआ है f of x is equal to यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखे हैं मान लो कंटिन्यूस फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम साइन तो ले ही ले रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई x का फंक्शन है जिसको हमने क्या मान लिया p of x मान लिया into sin of y raised to power alpha, तो ये लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, when इन दिस रेक्टेंगल एंड जो हमने कल यानी प्रीवियस लेक्चर में कर रखी है उस रेक्टेंगल में देख रहे हैं लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नॉट सेटिस्फाई लिप कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, इफ अल्फा जिस किस किस के बीच में हो 0 से बड़ा, ठीक है, और हमारे पास 1 से छोटा, ठीक है, 1 के इक्वल हो तो करेगा, तो ये हमारे पास ट्रिक हो गई इस क्वेश्चन के थ्रू, तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो उसमें इसने क्या दिया है,
उसमें इसने दे दिया सिंगल पावर, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन से ऑलमोस्ट हो गया, बिकॉज हमने क्या दे रखा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर एक्स वाई इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर 2/3। सिमिलरली जो 2/3 है हमारे पास वो क्या है, लेस देन 1 है। ओके तो अगर मैं इसकी लिप कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखूं, लिप कंडीशन इक्वेशन लगाऊं मैं, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वाई वन रेस टू पावर 2/3 माइनस वाई टू, या फिर मैं इसके नीचे ले लेता हूं, ठीक है, अपॉन वाई वन माइनस वाई टू, यही लेके चलता हूं मैं। ये इनक्वालिटी हम देखते हैं किसी कॉन्स्टेंट से लेस आती है नहीं आती है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा वाई वन रेस टू पावर 2/3 माइनस वाई टू रेस टू पावर 2/3, ठीक है, अपॉन वाई वन माइनस वाई टू। ओके फिर हमारे पास रेक्टेंगल में इस लाइन के अकॉर्डिंग लेते हैं, इस लाइन में हमारे पास वाई क्या है, जीरो है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, टू से लेके फोर तक है, थ्री के राउंड। अब देखो बच्चों, हम अगर y1 को जीरो लेते हैं इसमें, इसमें y1 को जीरो लिया तो ये इनक्वालिटी किसमें चेंज हो जाएगी, 1 अपॉन y2 रेस टू पावर 1 माइनस यानी 1/3 इसमें चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अब y2 अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो ये क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। सो देर डज नॉट एग्जिस्ट लिप कॉन्स्टेंट सच दैट दिस इनक्वालिटी इज लेस देन सम कॉन्स्टेंट, सो दिस फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई लिप चिक कंडीशन ऑन दैट रेक्टेंगल R। ओके तो इसमें भी हम देख रहे हैं, अगर मैं यहां पे 3/2 लेता हूं, मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, 3/2 ले लिया, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 3/2 3/2, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 ऊपर है और नीचे क्या है, y, ठीक है। तो अब देखते हैं y1 को मैंने 0 ले लिया तो ऊपर एक कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा y रेस टू पावर 1/2। ओके तो ऊपर बचेगा तो y2 अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो हमारे पास ये क्या है, ये क्वांटिटी लेस हो जाएगी, ठीक है, किससे लेस हो जाएगी, y रेस टू पावर 1/2 है। ओके तो ये लेस हो जाएगी बिकॉज y का मोड है वो किससे लेस है, 2 से, तो y रेस टू पावर 1/2 का मोड किससे लेस होगा, रूट 2 से, तो ये क्वांटिटी किससे लेस हो जाएगी, रूट 2 से, तो दिस इज अवर k, k इज इक्वल टू रूट 2 विच इज लिप कॉन्स्टेंट, हेंस दिस फंक्शन सेटिस्फाई लिप कंडीशन ऑन दैट रेक्टेंगल। तो हमारे पास यहां से ट्रिक क्या बन रही है कि अगर ये ट्रायंगल है और लास्ट वाले ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में हमारे पास अगर हमारे पास ऐसे है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर अल्फा है, ठीक है, तो ये लिप कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लिप कंडीशन सेटिस्फाई इफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लिप कंडीशन नॉट सेटिस्फाई इफ अल्फा किस किस के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, तो ये जो फंक्शन हमारे पास ये क्या नहीं करेगा, लिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक्स का फंक्शन हो और इनटू वाई रेस टू पावर अल्फा हो, ओके तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा। और पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि अगर फंक्शन इस टाइप का हो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स, कुछ भी ले लो जो कंटिन्यूअस होना चाहिए और हमारे पास ये एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो हमने लिया था साइन रेस टू पावर अल्फा, तो सिमिलरली यहाँ पर कोस वाई रेस टू पावर अल्फा हो तब भी क्या रहेगा, सेम रिजल्ट होल्ड रहेगा फॉर बोथ रेक्टेंगल, इसके लिए भी इसके लिए भी। बस हमारे पास शर्तें क्या है, हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस है नहीं उस ट्रायंगल में आनी चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रेक्टेंगल क्या लेके चलते हो, यानी वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन उस रेक्टेंगल में बिलोंग करनी चाहिए, तो उसमें अगर बिलोंग करेगा तो हमारे पास उस रेक्टेंगल में इस टाइप के फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन दैट फंक्शन सेटिस्फाई लिप कंडीशन, इफ अल्फा इज is mid between 0 and 1 then function is not satisfy lip condition। okay तो मैं यही समझाने के लिए मैंने क्या करा था, ये सारे एग्जाम्पल दोबारा कंसिडर किए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम क्या करेंगे, अच्छा तुम इसको भी बना सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन जितने मैंने असाइनमेंट लास्ट प्रीवियस लेक्चर में दिए थे, अब इस सेम क्वेश्चन को तुमने इसमें भी करने हैं, इस रेक्टेंगल में भी होल्ड करेंगे, ठीक है, उसमें भी आपको देखने हैं। और किसी प्रॉब्लम को, अगर किसी बच्चे को असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। अब देखो बच्चों, इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं, मान लो हमारे पास ये है सेकंड ट्रायंगल, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगी एक्स की पावर 1/2, तो हमारे पास जीरो है ये, ठीक है, तो इट इज 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, बीच का एरिया होगा इनका। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा हम कैसे बना रहे हैं। और यहाँ पे y माइनस 3, यहाँ हमारे पास मान लिया हमारे पास 3 हो गई, ठीक है, अब हमारे पास कितनी है,
वन है, तो हमारे पास ये टू, वाई इज इक्वल टू, टू पे होगा ये, और ऊपर कितना है वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू फोर, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, इस रेक्टेंगल में देखना है अब हमें कि क्या आएगा और क्या नहीं। अब देखो बच्चों, अगर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, टू पॉइंट है, सॉरी हमारे पास है ये, y की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 2, ओके, और यहाँ पे क्या है, दोनों 2 2 है, यहाँ पे x 2 है y 4 है, और यहाँ पे x माइनस 2 है y 4 है। तो इस रेक्टेंगल में मैं देखूँ बच्चों, तो मैं मान लो यही क्वेश्चन मैं दोबारा कंसिडर करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये इस रेक्टेंगल में क्या थे, दोनों रेक्टेंगल में लिप कंडीशन होल्ड करते हैं। नाउ कम टू दिस रेक्टेंगल, अब इस रेक्टेंगल पे हम चलते हैं, तो मैं फर्स्ट या सेकंड को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने सेकंड क्वेश्चन कंसिडर कर लिया। तो अब देखो बच्चों, वाई रेस टू पावर 2/3 कर लिया मैंने, वाई रेस टू पावर 2/3, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज इस रेक्टेंगल में वाई इज इक्वल टू जीरो बिलोंग ही नहीं करेगा, इस रेक्टेंगल में वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, वाई नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे ये अगर लिप कंडीशन की लिप कंडीशन लेके चलूं, तो नीचे क्या था हमारे पास, y1 - y2, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, y रेस टू पावर 2/3 माइनस y2 रेस टू पावर 2/3 अपॉन y1 - y2, ओके। तो इसका मोड ऊपर अलग है, ठीक है, और नीचे अलग है। तो अब मैं यहाँ पे y1 को 0 या फिर y2 को 0 नहीं ले सकता, बिकॉज y इज इक्वल टू 0 इज नॉट बिलोंग टू द गिवन डोमेन। अब ये हमारे पास क्या है, डोमेन, ये अब हमारे पास क्या है, अब रेक्टेंगल कंसिडर कर रखी है हमने। तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर हम करें तो ये क्वांटिटी किसी k से क्या आ जाएगी, लेस आ जाएगी, इज दैट क्लियर, ओके। तो ये क्वांटिटी किसी के से लेस आ जाएगी, दैट इंप्लाइज फंक्शन सेटिस्फाई लिप कंडीशन। अब ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी सेटिस्फाई करेगा, अब जितने भी है सारे सेटिस्फाई करेंगे इन दिस रेक्टेंगल, ठीक है, इस रेक्टेंगल में क्या करेंगे, सारे सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको करता एक्स साइन एस टू पावर 1/2 बोल लो या फिर साइन स्क्वेयर बोल लो, अब इस रेक्टेंगल में किसी भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीधी सीधी ट्रिक है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वो इसमें क्या करेंगे, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये ट्रिक बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। अब आपको ये क्या करनी है, रेक्टेंगल कंसिडर करनी है, और सारे जितने क्वेश्चन हैं जितने मैंने करवा भी दिए उस रेक्टेंगल में, जो वो भी आपको दोबारा सोल्व करने हैं रिगार्डिंग दिस रेक्टेंगल एंड द लास्ट रेक्टेंगल, ओके। तो इसमें भी आपको क्या मिलेंगे सारे, इसमें आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो एक और हम रेक्टेंगल लेते हैं, मान लो हमने क्या ले ली, दूसरी रेक्टेंगल ले ली, ये अब देखो बच्चों हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब इसमें हम इन क्वेश्चन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा दिस रेक्टेंगल, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ बच्चों, तो इसमें हमारे पास है कि जो एक्स माइनस थ्री, यानी सेंटर कितना है 3, मतलब हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5। अब देखो बच्चों 3 है हमारे पास, ये हो गया 3, तो उसके बाद इसके अराउंड 1 लेंथ है हमारे पास, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है, दिस इज अवर एक्स इज इक्वल टू 4 और 1 इस तरफ, तो हमारे पास ये आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2, दिस इज अवर x इज इक्वल टू 2। अब देखो उसके बाद y के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो दिस इज y इज इक्वल टू 3, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2, तो 3, 4, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, दिस इज अवर y इज इक्वल टू 5 और 3 के 2 इस तरफ, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। तो कौन सी रेक्टेंगल आ गई हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गई, ओके। तो इस रेक्टेंगल में हम अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गई, डोमेन डी, दिस इज अवर डोमेन फॉर दिस ऑल फंक्शन, फॉर दिस ऑल फंक्शन। तो इस रेक्टेंगल में हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ फर्स्ट को, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये उसमें भी था और इसमें भी क्या होगा, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आप इजिली चेक कर सकते हो। अब मैं इसको सोल्व, ये हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज
एज इट इज y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, यानी जो y का मोड है वो लेस देन किसके इक्वल है 5 के है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, लीप कांस्टेंट मिल जाएगा। अब ये देखो इसको इस पे आते हैं बच्चों, दिस इज अवर x y रेज़ टू पावर 1/2, तो इस पे आते हैं तो इस पे हम लीप कंडीशन चेक करके देखते हैं। नाउ कंसीडर f ऑफ x कोमा y1 माइनस f ऑफ x कोमा y2। ओके, तो हमारे पास f ऑफ x के डेफिनेशन से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू वाई वन रेस टू पावर 1/2 माइनस, वो फैक्टर भी हम साथ में लेके चलेंगे, तो वो क्या था हमारे पास y1 माइनस y2। ओके, तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x इंटू वाई टू रेस टू पावर 1/2, ये फैक्टर एज इट इज y1 माइनस y2। अब देखो बच्चों x थ्रू आउट कॉमन लेते हैं हम, इसमें x को हमने कॉमन ले लिया तो x का मोड अलग और y1 वन रेस टू पावर 1/2 माइनस y रेस टू पावर 1/2, इसका मोड क्या ले लिया हमने, अलग ले लिया, तो दिस इज अपॉन y1 वन माइनस y2। और जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है 4, x किससे लेस देन है इक्वल टू है 4, तो हमारे पास ये क्वांटिटी किससे लेस हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू मोड x की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वाई वन रेस टू पावर 1/2 का होल स्केयर, ठीक है, वाई वन रेस टू पावर 1/2 होल स्केयर, तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो दिस इज लेस देन 1 अपॉन वाई रेस टू पावर 1/2 माइनस वाई टू रेस टू पावर 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा ये वाई वन रेस टू पावर 1/2 माइनस वाई टू रेस टू पावर 1/2 एंड वाई वन रेस टू पावर 1/2 प्लस वाई टू रेस टू पावर 1/2, ये फैक्टर कैंसल आउट, और इसके बाद 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये क्वांटिटी 1 अपॉन किससे लेस हो जाएगी, लेस देन 1 अपॉन वाई वन रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन वाई टू रेस टू पावर 1/2। ओके, तो हमारे पास ये किससे लेस है 4 से, तो ये किससे लेस देन हो जाएगा 1/5 या फिर ग्रेटर, ठीक है, 1 अपॉन करेंगे, बिकॉज इसमें जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है, वो वाला फैक्ट वो वाला इसमें आएगा ही नहीं, बिकॉज y इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारी डोमेन D में बिलोंग नहीं करती है। ओके, तो हमारे पास ये जो फाइन ये जो क्वांटिटी है ये किससे आ जाएगी, लेस देन 1/5, ठीक है, 2/5, तो हमारे पास एक हो जाएगी 8/5 समथिंग, उससे क्या हो जाएगी ये लेस हो जाएगी। ओके, अब इसमें या फिर ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है, बट ये तो है ही नहीं कि हमारे पास क्या हो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, यानी जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, इसका हम रेसिप्रोकल करें तो 1/ वाई मोड इज लेस देन इक्वल टू 1/5, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू भी 1/y की भी क्या हो सकती है 5 हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या रखा है 1/5 की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 5, तो उसको मान लो हमने k मान लिया, आप कैलकुलेट करना क्या आएगा k। ओके, तो ये हमारे पास क्वांटिटी किससे लेस आ गई, k से लेस आ गई, दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू y रेज टू पावर 1/2 किससे लेस हो गया, k से लेस हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, लीप कांस्टेंट मिल गया, तो लीप कांस्टेंट मिल गया दैट इंप्लाइज f ऑफ x y सेटिस्फाई लीप कंडीशन ऑन दिस रेक्टेंगल। अब हमारे पास क्या है, इस रेक्टेंगल में हमारे पास किसी भी फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हमने जो थर्ड ट्रायंगल पढ़ी थी, फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1, उसके बाद हमने दूसरी रेक्टेंगल, फिर 3, और ये हमारे पास क्या फोर्थ वाली, तो इसमें हमारे पास जितने भी मैंने क्वेश्चन असाइनमेंट पे दिए थे वो सारे के सारे का आंसर क्या आएगा, यस आएगा, बिकॉज इसमें वाई इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉब्लम भी सोल्व होती है, बिकॉज वाई इज इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस डोमेन, सो दिस आर फंक्शन, यानी किस टाइप के हमने लिए थे, वाई रेस टू पावर 1/2, वाई रेस टू पावर 2/3, या फिर x into y raised to power 2/3, x square into y raised to power 2/3, तो इस टाइप के polynomial into f of x का कोई फंक्शन और हमारे पास 2/3 जो क्या हो कंटिन्यूस हो, तो ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीप कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। ये तो वो वाले हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू क्या है लेस देन 1, तो सिमिलरली एंड y raised to power 1, y raised to power 2, x into y square, x square into y square, x cube into y cube, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ये रहा जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल में लीप। ओके, तो लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो सारे फंक्शन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक लिखते हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से फंक्शन इन सारे रेक्टेंगल में क्या करेंगे,
लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके तो वो देखो ट्रिक, हम समराइज कर देते हैं सारे को कि अगर फंक्शन ऐसे ऐसे हो हमारे पास तो हमारे पास फंक्शन कब लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और कब नहीं करेगा। ओके तो वो देखो, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये हमने क्या लिख लिया, शॉर्टकट लिख लिया। ओके या फिर इसको क्या बोलो तुम, ट्रिक बोल लो, या फिर हमारे पास ये क्या है, शॉर्टकट मेथड। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स वाई रेस टू पावर अल्फा, पी ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई रेस टू पावर अल्फा, और ये हमारे पास क्या एक्स के कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके तो इस टाइप में हमें दिया हुआ कोई फंक्शन, और ये हमारे पास रेक्टेंगल इनमें से कोई भी दी हुई है, तो हमने सारे रिजल्ट को क्या कर दिया, समराइज कर दिया कि पहला क्या हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन आता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास माइनस a है, दिस इज अवर b, दिस इज अवर माइनस b। ओके तो इसमें भी हमारे पास सेम एज इट इज है, इस x नोड के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज अवर x नोड। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेक्टेंगल बनती है। सिमिलरली हमारे पास ये x की वैल्यू a, ये माइनस a। ठीक है, नहीं इसमें नहीं ले सकते, दिस इज अवर x नोड प्लस a एंड दिस इज अवर x नोड माइनस a, और ये हमारे पास क्या है, a है। ओके तो सिमिलरली हमारे पास ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल है, ये हमने फोर टाइप की रेक्टेंगल पढ़ी है। अब इसमें हमारे पास अगर f ऑफ एक्स वाई की बात करूं मैं, अगर इस टाइप के आ जाए हमारे पास, तो ये लीप कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इन फोर ट्रेंगल, सारी की सारी ट्रेंगल में, इसमें भी, वन में भी, टू में भी, थ्री में भी, फोर में भी। ओके तो ये तो इसमें तो हमारे पास सारे थे, इसमें तो हमारे पास क्या कर रहे थे, सारे ही एग्जिस्ट कर रहे थे फोर्थ वाले ट्रेंगल में, बिकॉज इसमें हमारे पास जितने फंक्शन थे इस टाइप के, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने पहले सोल्व किया क्वेश्चन, उसके बाद ट्रिक समझी है, यानी शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या है, सोल्व करने के बाद आया है। और मैंने पीछे बोला भी है कि ये मैं बता रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड है, अब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से ही करो, आपको पहले क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं फॉर ऑल ट्रेंगल, इसके लिए भी सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके लिए भी सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिमिलरली इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके बाय डेफिनेशन ऑफ लीप कंडीशन, तो फर्स्ट हमारे पास केस क्या है, ठीक है, फर्स्ट केस है हमारे पास इफ अल्फा ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो ये जो फंक्शन है सारे, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेटिस्फाई लीप कंडीशन इन ऑल फोर ट्रेंगल रेक्टेंगल। ठीक है, या फिर इनको क्या बोलो, डोमेन, ये यही हमारे पास क्या है, डोमेन है, इसका जो इंटीरियर पोर्शन है इनका। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इंटीरियर पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, डी है। सिमिलरली इसका इंटीरियर पोर्शन, ठीक है, जो हमारे पास, जैसे हमारे पास जैसे दो रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं हम अलोंग वाई एक्सिस और इसको हम बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास ना ही तो हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन आता है, और ना ही हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू जीरो वाला, जीरो वाला पोर्शन। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू है, ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाए, यानी हमारे पास फंक्शन, मैंने बोला भी था कि फंक्शन हमारे पास इस टाइप के हो जाए, x इंटू वाई रेज टू पावर टू, x इंटू वाई रेज टू पावर थ्री, x इंटू वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर थ्री बाई टू, बिकॉज हमारे पास थ्री बाई टू क्या है, ग्रेटर देन वन है, या फिर हमारे पास ऐसे हो जाए x इंटू साइन ऑफ y स्क्वायर, या फिर x इंटू साइन ऑफ y रेज टू पावर फाइव बाई टू, इस टाइप के अगर फंक्शन हो जाए, या फिर पॉलीनोमियल एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं हमारे पास, ये रहे। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया x इंटू ई रेज टू पावर वाई, या फिर x इंटू ई रेज टू पावर वाई क्यूब, अगर इस टाइप के सारे फंक्शन हो जाएंगे, ये भी हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम से ही होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमसे छूट गया, करवाया नहीं है, वो भी सेम ही आएगा। तो अब देखो बच्चों, ये हो गए, या फिर हमारे पास पॉलीनोमियल हो गई, दोनों पॉलीनोमियल है, लाइक मैंने ये ले लिया x इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास ये है, तो इस टाइप के फंक्शन चारों की चारों डोमेन में क्या करेंगे, लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको यहां से बाय डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले सारे क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन आई कि हमारे पास अगर ऐसे रेक्टेंगल है, तो अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, लीप कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके तो नाउ कम टू द सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू है जीरो और वन के बीच में हो, यानी जीरो से बड़ा हो और वन केस से क्या हो, छोटा हो, तो अगर ऐसा केस आता हमारे पास, देन एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई लीप कंडीशन थ्री एंड फोर, तो इसमें और इसमें तो करेगी, और रीजन क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू
जो है हमारे पास फंक्शन की, इसमें और इसमें क्यों करेगी जितने फंक्शन हमारे पास इस टाइप के है, बिकॉज उसमें हम देख रहे थे y इज इक्वल टू जीरो वाला, यानी y इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन, y इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, दैट इंप्लाइज इसमें नहीं करेगी, इसमें भी आ रहा है ये रहा, बिकॉज इसमें हमारे पास ये है, ठीक है, इस रीजन के कारण हमारे पास क्या करेगी ये वन में नहीं करेगी, हमारे पास ये सारे फंक्शन हैं और अल्फा की वैल्यू अगर जीरो और वन के बीच में है तो वन में नहीं करेगी, रीजन वाई इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन ले लेंगे, और जो हमारे पास जो इनक्वालिटी है वो किसको अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को, जो किससे छोटी नहीं रहेगी किसी कॉन्स्टेंट के से, तो इसमें भी नहीं करेगी, इसमें हमारे पास वाई इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन बिलोंग नहीं करता है तो इसमें क्या कर जाएगी बिलोंग कर जाएगी, सिमिलरली इसमें भी क्या कर जाएगी बिलोंग कर जाएगी, इसमें भी नहीं है बिकॉज वो यहाँ है, ओके तो हमारे पास सेकंड केस है कि इफ जीरो और वन के बीच में करता है देन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई लिप कंडीशन इन रेक्टेंगल थ्री एंड रेक्टेंगल फोर बट नॉट सेटिस्फाई लिप कंडीशन इन रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू विद दिस रीजन, ये हमारे पास रीजन है, तो इसका आप बेसिक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक में नोट कर लो, हमारे पास ये क्या है ट्रिकी मेथड है कि हमारे पास अगर इस टाइप से फंक्शन दे दिया जाए तो आप उसकी इस ट्रिक से लिप कंडीशन को चेक कर सकते हो, जस्ट हमने किसकी वैल्यू देखनी है अल्फा की, ओके तो अगर ऐसा हमारे पास तो ऐसे हम क्या कर लेंगे लिप कंडीशन को चेक कर लेंगे, तो यही हमारे पास क्या है असाइनमेंट है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए और जितने मैंने प्रीवियस वीडियो में एज यू असाइनमेंट दी थी तुम्हें, सारे के सारे फॉर ऑल ट्रायंगल, रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल टू, रेक्टेंगल थ्री, रेक्टेंगल फोर, ठीक है, या फिर एक रेक्टेंगल खुद अपनी तरफ से भी बना सकते हो आप, उस रेक्टेंगल के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये देखना है कि जो गिवन फंक्शंस है हमारे पास उस रेक्टेंगल में लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके बिकॉज हमारे पास जो इसके क्वेश्चन आते हैं उसमें एक ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है वो कि जो फंक्शन हमारे पास लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, और लिप कंडीशन के क्वेश्चन जो लिप कंडीशन है और हम करेंगे यूनिकनेस थ्योरम करेंगे, एक तो हमारे पास है एग्जिस्टेंस थ्योरम जो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या बताएगी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो यूनिकनेस थ्योरम है उसमें हम ये देख लेंगे कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है प्लस लिप कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा यूनिकली एग्जिस्ट करेगा विद द गिवन डोमेन, ठीक है, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा तो वहां पे हमने क्या जरूरत पड़ेगी लिप कंडीशन की, इसलिए हमने यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम या प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले हमने लिप कंडीशन के बारे में क्या पढ़ा है डिस्कस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि उसी के लिए हमारे पास ये उसी के लिए हमने ये डिस्कस किया हो, ये हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ओके तो यहाँ तक आपको क्या करना है लिप कंडीशन के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सारे सोल्व करने हैं और यहाँ तक आपको कवर करना है, और किसी बच्चे को यहाँ पे लिप कंडीशन तक की में अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो, फॉर डेली हम एक या दो क्लासेस ट्राई करते हैं देने की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी क्या पहुंचे नोटिफिकेशन पूछे, और प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।